हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, कल सुबह 9 बजे आपका 2 मार्च का पेपर रहेगा भूगोल का। आइए स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12वीं वाले, अब आपका पेपर भूगोल का जो है किस प्रकार से बनने वाला है, 70 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए क्लास में, और ये क्लास जो आपको मिल रही है 8 बजे मिल रही है, सुबह 6 बजे, सुबह 5 और 6 बजे के बीच भी आप लोगों को एक भूगोल की क्लास मिलने वाली है। उस क्लास को भी आप सभी को देखने के लिए तैयार रहना है। सुबह हम सभी स्टूडेंट्स मिलेंगे और उस क्लास के माध्यम से हम हमारी संपूर्ण तैयारी को अंतिम रूप देंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं और पूरा कर लेते हैं हमारे रिवीजन को। एक से एक वीडियो आप लोगों को हमने प्रोवाइड करवाए हैं। आप चाहते हैं कि सुबह वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे 5 से 6 के बीच, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। 70 नंबर का पेपर आपका रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है, उसमें आपका आंसर आ जाएगा अन्वेषण और वर्णन। अन्वेषण और वर्णन आपका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, इसमें आपको निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एशिया महाद्वीप आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर आपका तृतीय क्रियाकलाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापार। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। तो यहाँ पर जो चावल की वो फसल लेते हैं, वो लेते हैं अमन, ओस, बोरो, मतलब उपर्युक्त सभी आपका आंसर होगा। वो पश्चिम बंगाल राज्य की बात हो रही है बच्चों। तो किसान जो होते हैं, ये फसल भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, केवल ये फसल जो है किसकी है, चावल की है। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को हम देखेंगे रिक्त स्थान के रूप में, नव निश्चयवाद की संकल्पना द्वारा दी गई है। तो ये किसके द्वारा दी गई है बच्चों, तो ये दी गई है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न, उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर वाला देश है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरे में ओमान। ओमान आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। नंबर 3, भोजन एकत्र करना, आकेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो इस खाली स्थान में आ जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय में स्थित है। तो ये जो आपका स्थित है वो है जिनेवा में आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, श्रमजीवी जनसंख्या को वर्गों में विभाजित किया गया है। तो श्रमजीवी जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला है, चाय निर्यात में भारत का स्थान है 3रा। तीसरा आंसर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए, बहुत कम स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जब तक आपसे मैंने बोला नहीं, आप लोगों ने मन से शेयर नहीं करा है। क्लास हमारी अंतिम रूप में है, हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट अब फ्री होने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम आज तो शेयर कर दीजिए और सभी वीडियो लाइक भी कर दिए, सभी कर दीजिए,
ठीक है, जो देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम अंतिम रूप देने वाले हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को, जो भूगोल का पेपर रहेगा आपका 2 मार्च सुबह का, सुबह 5 से 6 के बीच में एक और क्लास में आप लोगों को लेकर आने वाला हूँ, तो आप सभी उसमें ज़रूर जुड़िएगा। चलिए जोड़ी देख लेते हैं आप। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा चीन। तकनीशियन और डॉक्टर शिक्षक, ये जो आते हैं बच्चों वो आते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप में। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्रदेश पूछा है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और देश में चीन की बात करेंगे। और लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश, समुद्री पत्तन आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यापत्ति का चयन करना है, तो विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, अफत्य होगा। अगला क्वेश्चन, मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है, तो ये भी आंसर क्या होगा आपका, फत्य होगा। और स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है, तो इसका चौथे का जो आंसर होगा ये भी सत्य हो जाएगा। और पंजाब तथा हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाता है, तो यहाँ पर जो पांचवा है इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था, तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एक शब्द में उत्तर हम देंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसमें हम देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बच्चों प्रवास, इसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, डाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, डाउन्स। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से है, तो तृतीयक क्रियाकलाप से है, सेवा क्षेत्र का जो संबंध होता है वो तृतीयक क्रियाकलाप से होता है। अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर आपका होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, औद्योगिक नगर, आंसर क्या होगा, औद्योगिक नगर, जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। ठीक है, औद्योगिक नगर। अगला प्रश्न, भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 16 जोन में। ठीक है, इस प्रकार हमने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को पूरे किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जो आप लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप अब देखने वाले हैं वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपको पेपर में 2 नंबर में 3 नंबर में और 4 नंबर को देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने वाले कल के पेपर में देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को लगाइएगा और नक्शे में आपको ये दर्शन आना चाहिए, जैसे कि सूरत कहाँ पड़ता है, कोलकाता कहाँ है, भिलाई कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, पटना कहाँ है। ठीक है, ये आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर आपको नक्शा दिया जाएगा, एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो आपको दे दिया जाएगा, आप चिंता ना करें इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फील करना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप सभी का इंतज़ार रहेगा, कितनी बजे, 5 से 6 सुबह, कितनी मार्च, 2 मार्च, 2 मार्च की सुबह 5 से 6 बजे के बीच एक धमाकेदार भूगोल का वीडियो कक्षा 12वीं के लिए हम लेकर आने वाले हैं,
तो सभी बच्चों को जुड़ना अनिवार्य है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है, अपने सभी दोस्तों तक एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और उनको भी बता दीजिए कि सुबह वाली क्लास लेना अनिवार्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम सुबह। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।